हाय गाइस, वेलकम टू माय टुडेज टैरो कार्ड रीडिंग। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि अप्रैल मंथ में आपके स्वास्थ्य और आपके संबंधों में क्या असर होने वाला है, यानी कि ओवरऑल आपकी हेल्थ इशू और साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप में क्या असर लेके आने वाला है अप्रैल मंथ। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, यहाँ आपको मैं आपको छोटी सी डिटेल देना चाहती हूँ। अब आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर टैरो कार्ड के प्राइजेस नज़र आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुकिंग लिंक अवेलेबल करा दी गई है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। बट रीडिंग देखने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर और देना चाहती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो रीडिंग को ओपन माइंड होकर देखिएगा, ठीक है। सो कुछ ओरेकल मैसेजेस से शुरुआत करते हैं, देखते हैं अप्रैल मंथ में आपके स्वास्थ्य और संबंधों में क्या असर होने वाला है, ठीक है। तो कुछ ओरेकल मैसेजेस हैं यहाँ पे हैंडमेड जो मैंने बनाए हैं, उनसे रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके कैसे जाने वाला है आपका अप्रैल मंथ, ठीक है। आपके स्पेशली आपकी हेल्थ और आपके संबंधों के बीच में। सो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए। ओके, इनफ है इतने, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, दिस इज़ अ मैग्निफिसेंट यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज़ ब्रिंगिंग ऑल गुड थिंग्स टू मी। कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ आपके रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ को लेके कहना चाह रहा है कि यूनिवर्स आपको अब तमाम वो नई चीज़ें देगा जिन चीज़ों के बारे में आप काफ़ी अरसे से सोच रहे हो, ठीक है। क्रिएटिंग इज़ ऑलवेज हैपनिंग, एवरी टाइम इज़ एन इंडिविजुअल, ठीक है। हर समय एक सा नहीं होता है, हर समय ऊपर नीचे होता रहता है। सो अप्रैल मंथ भी यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अपने ऊपर आप जितना फोकस करोगे, अपने ऊपर आप जितना ध्यान लगाओगे, उतनी चीज़ें आपके लिए सही होने वाली हैं। डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, ठीक है। लर्न फ्रॉम द पास्ट लेसन, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अप्रैल में ये गाइड कर रहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अगर आपसे अभी काम नहीं बन रहा है या चीज़ें आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें गलत है, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गलत पाथ में चल रहे हो, गलत रास्ते पर चल रहे हो। आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं उनसे कुछ सीख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको बेहतरी मिलने वाली है। फोकस ऑन योर हेल्थ, स्टे हाइड्रेटेड, यस डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत से ज़्यादा लोगों को पानी से रिलेटेड कुछ समस्या बॉडी में हो सकती है, ठीक है। काइंड ऑफ किडनी इन्फेक्शन, ये सब छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं। सो ये चीज़ें आप कैसे दूर कर सकते हो, गर्मी का समय आ गया है, आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, फ्रूट्स लेने हैं, जूस लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना है, ठीक है। अपनी हेल्थ पे फोकस करना है अप्रैल मंथ में, बहुत से लोगों के लिए रीडिंग आई है। एंजल मैसेज भी आपके लिए निकल के आया है, योर प्रेयर हैव बीन आंसर्ड, यस। अप्रैल मंथ में वो बहुत सी मैनिफेस्टेशन आपके पूरे होने वाले हैं जिन चीज़ों का आपको लंबे अरसे से इंतज़ार था। एंजल मैसेज है, स्टॉप प्रोकेस्टिनेशन एंड स्टार्ट चेंजिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग काफ़ी आलस या लेज़ी भी थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं और ये चीज़ें आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट डालेंगी। सो इस चीज़ में थोड़ा अपने आप को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कुछ ओरेकल मैसेजेस तो अपन ने देख लिए हैं, अब टैरो कार्ड रीडिंग से देखते हैं कि ओवरऑल अप्रैल मंथ आपके हेल्थ के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा जाने वाला है, ठीक है। तो मैं दोबारा फिर से बता दूं कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू ऑल। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं सो पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपनी बुक कर सकते हो, ऑलरेडी बुकिंग चालू हो चुकी है, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स गिव मी आंसर। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ सबकी एनर्जी कैच करके ही आंसर मिलते हैं। सो इन रीडिंग को अपने पर्सनल इशू के साथ जो चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं सिर्फ वही चीज़ लें, ठीक है। चले आप कार्ड पिक करते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, साथ ही साथ टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कप्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट फोर कार्ड मैं देख पा रही हूँ वो ओवरऑल यही बता रहे हैं कि अप्रैल मंथ में आपके जो हेल्थ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपन दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सो आपकी रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके रिश्ते पुराने उलझे हुए हैं, या फिर
आप किसी से क्लैरिटी चाह रहे हो, या आप किसी से किसी तरीके का जवाब चाह रहे हो, या रीयूनियन चाह रहे हो किसी पर्सन से, तो वो अप्रैल मंथ में होती हुई मुझे नज़र आ रही है। रीयूनियन में आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, या फिर किसी पुराने दोस्त से, या फिर अपने फैमिली की किसी रिलेटिव से, आपका अगर आप काफ़ी अरसे से उनसे बात करना चाह रहे हो और रीयूनियन चाह रहे हो, या उनका कॉल या मैसेज का इंतज़ार है, सो वो चीज़ें मुझे अप्रैल में यहाँ आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपने थोड़ी हेल्थ को लेकर भी सोचना पड़ेगा। जैसे कि ऑलरेडी कार्ड निकला था कि स्टे हाइड्रेटेड, आप अपनी हेल्थ को जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे अप्रैल मंथ में, उतना ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। ठीक है, आपको अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अप्रैल मंथ में। वो चीज़ मैं मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी नज़र आ रही है। अपना सेल्फ केयर करें और जितना हो खुद को हाइड्रेट रखें। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, गले में इन्फेक्शन हो सकता है, सर्दी ज़ुकाम काफ़ी अरसे से लगी हुई है, सो वो चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और डॉक्टर से कंसल्टेशन पाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप में से बहुत से लोगों की तरक्की नज़र आ रही है, क्योंकि ओवरऑल अगर रिलेशनशिप और हेल्थ के बारे में बात करें तो यस डेफिनेटली, और अपने हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल मत करो, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे साइन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बहुत से लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। हेल्थ के ऊपर सबसे मेन फोकस आपको ध्यान देना है, क्योंकि रीडिंग ही हेल्थ और रिलेशनशिप के ऊपर आ रही है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, पैसे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, स्पेशली आपके फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे मैंने कहा है कि रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पुराने मित्रों से। ठीक है, आप अपने पुराने मित्रों में किसी को भी रख सकते हैं, उनसे रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। सो टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, यस डेफिनेटली आप अपने पुराने किसी दोस्त से शादी पार्टी में मिल सकते हो, और फिर मिलने के बाद आप लोग की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, डेथ की एनर्जी आ रही है, आपका एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करोगे सो आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगेगा, एक पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर महसूस होने लगेगी, और ये चीज़ आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का फॉर्म ला सकती है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ और कार्ड से अपन देखना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए ओवरऑल आपके हेल्थ और आपके रिलेशनशिप में क्या असर देने वाला है। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो लोग किसी काइंड ऑफ प्रपोज़ल का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, किसी पर्सन के प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो प्रपोज़ल मुझे अब देखने को मिल रहा है, वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा उसको पैशन फील हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, जिस वजह से वो आपको अब प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। आप इसे किसी भी पर्सन को ले सकते हो, अपना चाइल्डहुड, आपके हस्बैंड, आपके एक्स हस्बैंड, या फिर आप करंट किसी पार्टनर के साथ हो, वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कि आपके रिलेशनशिप्स हील हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये दर्शा रहा है कि इन सब बीच में आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोनी है, इन सब बीच में आपको खुद को नहीं भूलना है, इन सब बीच में आपको प्रोकेस्टिनेशन नहीं करना है, बल्कि पूरी तरीके से अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। अप्रैल मंथ बहुत से लोगों के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का हेल्थ के ऊपर अप्स एंड डाउन्स मुझे लग रहे हैं, सो मेजॉरिटी वाइज मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि अपने आप को जितना आप हाइड्रेट रखोगे, जितना ज़्यादा जूस कंटेन करोगे, फ्रूट्स लोगे, उतना अच्छी तरीके से आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली हील कर पाओगे, क्योंकि जब आपकी बॉडी हील रहती है सो ऑटोमेटिकली आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। ठीक है, आप कुछ एडवाइस कार्ड लेने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको फाइनली हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस देना चाह रहा है। सो डियर यूनिवर्स, दो कार्ड्स, ओके, तीन कार्ड्स यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पे दे दिए हैं। फर्स्ट कार्ड द डेविल की एनर्जी आई है, सेकंड द चैरिट की एनर्जी आई है, थर्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। सो डेविल की एनर्जी कह रही है कि कहीं ना कहीं यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी डेस्टिनी को काफ़ी कंट्रोल करके रखे हो। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं आपको ऐसा कई बार अप्रैल मंथ में ये फील होगा कि बाहरी लोग आपको ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, आपके घर वाले आपको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक विक्टिम मेंटालिटी टाइप की फीलिंग आ सकती है। तो ये चीज़ एक चीज़ ना जो आपको थोड़े समय के लिए पावरलेस बना सकती है, लेकिन इस चीज़ के बारे में आपको ओवरथिंक नहीं करना है। आप जितना खुद के बारे में नेगेटिव सोचोगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव और होती चली जाएंगी। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन ही देनी है। ठीक है, द चैरिट की एनर्जी ये आ रही है, आपका विल पावर और डिटर्मिनेशन आपका साथ देगा अप्रैल मंथ में। सो ओवरऑल यही चीज़ है कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप चीज़ों को लेकर अच्छा सोचोगे, उतनी ही चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके घर में, जो ओल्ड वूमेन है, हो सकता है आपकी दादी, नानी, बुआ, मासी, आपकी मदर, इन सब की आप ब्लेसिंग लेके चलें। सो ये चीज़ आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ दिलाएगी। और ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है अप्रैल मंथ में, और आपका किसी पर्सन से रीयूनियन पॉसिबल है। सो ये थी एनर्जी अप्रैल मंथ के लिए, आपके हेल्थ और रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक है, सो आप प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। टैरो कार्ड के प्राइजेस स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।